बोलने हमें आती है ना, वहाँ प्राइवेसी और सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। बोलिए हमें आती है ना, वहाँ प्राइवेसी और सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी और सीक्रेसी जो पैदाइश के लिए सचिव में जो प्राइवेसी और सीक्रेसी की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट आया था मुरली में। हाँ जी, तो एक बात है जो संगमी के लक्ष्मी नारायण जो है वो वाइब्रेशन द्वारा वो पैदाइश करते हैं। हाँ जी, उसमें तो शुक्रकंड कैसा डालते हैं माँ की पेट में, शुक्रकंड जो होते हैं, शुक्रकंड वो एक बात है। और दूसरा एक एक बात का जवाब एक बार में लेते जाओ, इकट्ठा नहीं। एक होती है स्थूल चीज और एक होती है सूक्ष्म चीज। वाचा स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल है। स्थूल है और वाइब्रेशन सूक्ष्म है। वाइब्रेशन का अणु अणु नहीं बनाया जा सकता। क्या अणु अणु माना स्थूल चीज का? हाँ, स्थूल चीज नहीं है ना, उसका अणु नहीं होता, लेकिन फिर भी शक्तिशाली होता है। इसी तरह से जैसे पपीते का वृक्ष है, पौधा है, वो मीलों दूर से नर और मादा अपना वाइब्रेशन खींच लेते हैं। स्थूल रूप में कोई शुक्राणु नहीं होता और पपीते का फल पेट के लिए बहुत मुफीद होता है। सुखदाई, पेट को शुद्ध करने वाला होता है, कोई प्रकार का प्रदूषण पैदा नहीं होगा। ऐसे ही ये जो वाइब्रेशन का शुक्राणु है, ये नई सृष्टि के लिए चढ़ती कला है, गिरती कला में नहीं ले जाएगा। और सत्यु के आज से ही राधा और कृष्ण जैसे बच्चे एक दूसरे को दृष्टि से देखेंगे। दृष्टि के शुक्राणु एक दूसरे में डालेंगे। वो स्थूल होने के कारण बुद्ध रूपी पेट को पवित्र नहीं बना के नहीं रख सकते। कुछ न कुछ अंश मात्र पतन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें देह का अंश आ जाता है। आंखें भी बल ज्ञानेन्द्रियां हैं और ज्ञानेन्द्रियों में भी सबसे ऊंची स्टेज की इंद्रियां हैं। आत्मा रूपी राजा के बिल्कुल नजदीक रहने वाली इंद्रियां हैं, परंतु फिर भी देह का अंग है। दृष्टि से सृष्टि भी सुधरती है, परंतु मनुष्य की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधर सकती। चाहे सतयुग के देवताएं ही क्यों उतर आए हो, वो भी दृष्टि से सृष्टि को नहीं सुधार सकते। एक बाप ही है जो साकार रथ में प्रवेश करके साकार ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अथवा कर्म इंद्रियों के द्वारा भी सात्विकता के ही वाइब्रेशन फेंकता है। सात्विक
संग का रंग ही लगाता है, कुसंग नहीं लग सकता, तामसी नहीं बना सकता। उसके इस काम के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा है? नहीं, वो तो एक गुण बता दिया, विशेष गुण है, सदाशिव, सदैव कल्याणकारी है, दृष्टि से भी कल्याणकारी, वाइब्रेशन से भी कल्याणकारी, इंद्रियों से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी। कोई भी हालत में, कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में बाप का संग का रंग कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका नाम काम के आधार पर शिव है। और कोई आत्मा को शिव नहीं कहा जा सकता। तो शिव के पार्ट की तो बात ही अलग है, वो दृष्टि से भी कल्याण करता है, वाइब्रेशन से तो कल्याण करता ही है, परंतु वाइब्रेशन भी साकार के थ्रू चाहिए। अगर साकार के थ्रू वाइब्रेशन न हो तो इस सृष्टि पर उसको आने की भी दरकार नहीं, ऊपर बैठे बैठे ही वाइब्रेशन देता रहे, प्रेरणा करता रहे, उस आत्मा को भी उसका फल मिल जाता, वो भी स्वर्ग की दुनिया में आ जाती, परंतु उसका तो पार्ट ही नहीं है। जिस तन में प्रवेश होकर के ये कार्य करता है, संग का रंग लगाता है, उस तनधारी को ही सारी प्राप्ति होती है। मेहनत का अजूरा मिलता जरूर है, तो मानवीय आत्माओं की कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, चाहे कोई भी स्टेज में रहे हो, उनके संग के रंग से पतन जरूर होगा। सतयुग में भी पतन होता है या नहीं होता है? होता है, होता है, नहीं तो कलाएं कम कैसे होती है? ज्यों ज्यों अनेक आत्माओं के संग का रंग लगता है, या एक दो आत्माओं के भी संग का रंग लगता है, तो कुछ न कुछ व्यक्ति नीचे उतरती है। एक संगम युग ही है जिसमें परमपिता परमात्मा मुकर्र रथ में प्रवेश करके दृष्टि से सारी सृष्टि का उद्धार करता है, और उसी तन के वाइब्रेशन के द्वारा जो जो आत्मा है उस वाइब्रेशन को निमित्त लेने लायक बनती है, माना अच्छा पुरुषार्थी बनती है। जैसे कि द्वादश शिवलिंग गाये हुए हैं, जरूर बाप के सच्चे बच्चे होंगे, माने जो सूर्यवंशी जो 12 ग्रुप वो है बाप। अगर सच्चे बच्चे न हो, कथनी करनी में उनके अंतर हो, तो द्वादश ज्योतिर्लिंगम में नहीं गिने जाएंगे। ज्योति कहा जाता है ज्ञान की ज्योति, नंबर बार आत्माएं हैं जो माला के मड़के बनती है, सब कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कोई एक का आधार लेकर के नहीं रहा जा सकता। नहीं तो मुकर्रर रथ का कोई गायन ही न हो। आ,
आगे क्या बोल रहे थे? प्राइवेसी वहाँ की जाती है जहाँ कुछ चोरी की जाती है, सीक्रेसी में जहाँ कुछ अनर्थ किया जाता है, अकल्याण स्पष्ट दिखाई पड़ता है, कमजोरी दिखाई पड़ती है, पतितपना देखने में आता है, तन की शक्ति छीण होते देखी जाती है, तो प्राइवेसी की जरूरत होती है। और प्राइवेसी की क्या दरकार है? कोई खराब काम कर रहे है क्या? खराब काम कर रहा है लेकिन तो देह का भान कुछ होता है ना? देह होती नहीं भान, मतलब ये इंद्रियों द्वारा होती है ना, जो कर्म इंद्रियां हैं उनसे देह भान बढ़ता है। तो ज्ञान इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से देह भान उतना नहीं बढ़ता क्योंकि वहां अव्यभिचारी इंद्रियां होती है। और अब जो पेड़ी होती है ना, वो मेल नहीं फीमेल नहीं, पेड़ी मतलब है, पेड़ी का मतलब है वो मेल नहीं है या फीमेल नहीं है। और तीसरा रूप है पेड़ी, क्या कह रहा है ये पेड़ी? पेड़ी इंद्रियों को जो जास्ती दुरुपयोग करते हैं, क्या इंद्रियों का जास्ती दुरुपयोग करते हैं चाहे स्त्री जन्म में और चाहे पुरुष जन्म में? दुरुपयोग माने किस रूप में? अरे हर चीज की कोई सीमा होती है, सीमा से परे होकर अगर दुरुपयोग करेंगे लिमिट को, चाहे अपना और चाहे दूसरों का, अपना हनन करते हैं तो आत्मघाती बनते हैं और दूसरों का हनन करते हैं तो हत्यारे बनते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो इंद्रियों का बहुत हनन कर देती हैं, खास कर त्याम इंद्रियों का, उनको फिर किन्नर जाति में जन्म लेना पड़ता है। जिनको महाभारत में कहा गया शिखंडी, इंप्योरिटी से होता है विनाश, सृष्टि गड्ढे की ओर जाती है और प्योरिटी से होती है स्थापना। और तो ब्राह्मण जीवन में जो खास बात है, मुख्य बात अंतरता प्योरिटी, वो उस बात में जो वैजयंती माला है ना, तो विजय माला जो है ना, हाँ वो संपन्न है ना उस बात में? हाँ जी, संपन्न है नहीं, अगर संपन्न हो तो जो विजय माला में आने वाली वर्तमान में आत्माएं हैं अभी, वो बेसिक का पुरुषार्थ कर रही हैं, बेसिक पढ़ाई पढ़ रही हैं, ये एडवांस का पुरुषार्थ कर रही है। बेसिक पढ़ाई, बेसिक। और बेसिक पढ़ाई में त्रुटि ये है आ गई है, पहले नहीं थी, ये त्रुटि आ गई है कि वो ये समझे बैठे हैं कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, जबकि ऐसा नहीं है। दृष्टि से सृष्टि 63 जन्मों में बिगड़ती आई है या सुधरती आई है? बिगड़ती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी दृष्टि है आत्माओं की, वो द्वापर युग से सब व्यभिचारी बन पड़े। व्यभिचारी दृष्टि वृत्ति एकाग्र नहीं हो पाती है,
अगर एकाग्र हो जाए तो उसकी निशानी है कि सदा निश्चय बुद्धि हो जाएगा। घड़ी घड़ी निश्चय है, घड़ी घड़ी अनिश्चय है, इसकी दरकार ही नहीं रहेगी। पवित्रता की संस्कार है, संपन्न नहीं है, उसमें संस्कार है। जन्म जन्मांतर विजय माला में संस्कार है, परंतु वो संस्कार भी ज्ञान के आधार पर इमर्ज होने हैं। उनको पता ही नहीं है कि सन्यासी बनकर के रहने से पक्की पवित्रता नहीं होती। पक्की पवित्रता प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की है। बेसिक नॉलेज वाले सन्यासियों का पार्ट बजाए रहे हैं या प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं का पार्ट बजा रहे हैं? कौन सा पार्ट है? सन्यासी का पार्ट है। अब तुम अकेले बोल रहे हो, ये सब भी तो बोले ना, कान तो हिलाए। और तथा कथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया संग खाने वाले, स्त्री पुरुष संग रहकर से सोने वाले, संग खेलने वाले, संग संग पार्ट बजाने वाले हैं या अलगाव कर देते हैं, दूरबाज खुशवाज है। दूरबाज खुशवाज क्या पार्ट बजा रहे हैं? दूरबाज खुशवाज है। यहाँ सब नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वालों को भी इस बात का अनुभव नहीं है। और बाप तो बेहद का बाप है, वो बेहद की प्रवृत्ति निभाता है। बेहद की प्रवृत्ति में रहते हुए भी वृत्ति से दृष्टि से पतित नहीं बनता, चंचल नहीं बनता, निर्लिप्त पार्ट बजाता है। तो विजय माला की जो भांति बनने वाले हैं, उन्होंने तो पक्की सच्चाई को अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है। जब हायर नॉलेज लेंगे तब प्रवृत्ति मार्ग का जो ऊंचा लक्ष्य है, पवित्रता की ऊंची से ऊंची स्टेज है, उसको पकड़ सकेंगे। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वाले और ही तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या बेसिक नॉलेज से सतो प्रधान बन रहे हैं? तमो प्रधान बन रहे। ऐसे नहीं है कि जिस आत्मा ने ये प्रतिज्ञा ली, 500 करोड़ आत्माओं के बीच एक ही आत्मा ऐसी प्रतिज्ञा लेती है, जन्म जन्म लगे रगर हमारी, वरों सम्म न तो रहूं कुंवारी। जन्म जन्मांतर एक का ही संग का रंग लगे पति पत्नी के रूप में, और कोई आत्मा का संग का रंग न लगे। अच्छा, तो 63 जन्मों में वो आत्मा पतित नहीं बनती क्या? क्यों पतित बनती है? वो आत्मा जो फील्ड में पक्का है वो, हाँ, तो ये हमारा हेड बा, हाँ, विजय माला की जो हेड है पार्वती नाम पड़ता है, पार लगाने वाली, वो कलयुग के अंतिम जन्म में आते आते पतित बनती है या नहीं बनती है? बनती है। कारण? कारण वो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, व्यभिचार नहीं, देहाभिमान में वो जाते है ना, हाँ, मतलब व्यभिचारी नहीं है, परंतु जिसके साथ संग का रंग लगता है वो
वो कैसा है? वो जन्म जन्मांतर का बना हुआ राजा है, बड़े से बड़ा कि नहीं? और पतित राजाओं में सबसे जास्ती पतित बनने वाला है या नहीं? तो उसके संग का रंग नहीं लगता है? लगता तो है। तो 63 जन्मों में भी नीचे तो गिरना हो गया। अच्छा वहां की बात छोड़ दी जाए, अभी संगम युग में जो शूटिंग पीरियड है उसमें तो संग का रंग नहीं लग रहा है? लग रहा है। कैसे? अनेक आत्मा के संग के रंग में आते हैं। वहां दृष्टि वृत्ति का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। इसलिए वो सारे ही शिवो हम बन करके बैठे हुए हैं और सारे ही शिव बन करके बैठ जाएंगे। तो जो शिव बन करके बैठेंगे उनकी अपनी दृष्टि प्रदूषित होगी या नहीं होगी? होगी, प्रदूषित होती है। दृष्टि पतित बनती जाती है। और दृष्टि से भी बड़ा पतन होता है। आंखें जितना धोखा देती हैं उतना कोई और अंग धोखा नहीं देता है। हाथ उठाओ। हाँ जी, उसको भी शनिश्वर कहा जाता है ना, शनिश्वर ऐसा भक्त वर्ग में कहते हैं। उसको ईश्वर का नाम क्या आया? शनि देव जो है वो देव तो है लेकिन अष्ट देवों में नहीं है। भक्त लोग तो किसी को भी ईश्वर कह देते हैं। क्या सबको ईश्वर कह? कोई को भी ईश्वर कह देंगे, उनकी बात तो छोड़ो। ईश्वर का मतलब होता है ईश माना शासन करने वाला और वर माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शासन करने वाला, श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ शासन करने वाला। जब शासन करने के लिए आता है तो सबको प्यार ही प्यार से चलाता है। वो प्यार का सागर है, चाहे माँ के रूप में पार्ट बजाता है, चाहे बाप के रूप में पार्ट बजाता है, चाहे टीचर के रूप में पार्ट बजाता है, लेकिन प्यार से ही पालना देता है। वो धर्मराज नहीं बनता। और प्यार से शासन करते हुए भी नीचे गिराता है या ऊपर उठाता है? ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। ऐसा श्रेष्ठ शासन और किसी युग में और कोई आत्मा न करेगी और न किसी ने किया है। इसलिए हर धर्म में गॉडफादर की इतनी मान्यता है। वो प्यार का शासन करता है। मनुष्य ऐसा प्यार का शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्माओं में देवान रहता है शासन करने वालों में। थोड़ी सी कुर्सी मिल जाए फिर देखो, अभी आन सबको दास बना के रखो। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि। लेकिन बाप कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं बाप। और बाप क्या कहते हैं? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं। प्यार से ऑर्डर करो, आज्ञा करो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। बाबा जी देवता हो तो हाँ देवता हो असल
रुलाने वाले है ना जी, वो देवता हो रुलाने वाले नहीं, तो ब्रह्मा के पास जाते है ना, ब्रह्मा के पास जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु के पास जाता है। विष्णु मैं क्या करूं, शंकर जी पास जाऊंगा, वो कैलाश हाँ कैलाशी वासी के पास जाओ, वहाँ परिष्कार होता है। अब आप क्या पूछ रहे हैं सो तो बताओ। ये यह सृष्टि पर समस्या आता है ना, ये आत्मा को हाँ जी वो सोनम शर्मा अच्छा करता है आपको दिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं सो तो बताओ। विष्णु पार्टी होता है ना यहाँ अपना, हाँ वो अरे विष्णु पार्टी, जो विष्णु पार्टी अपन को कहते हैं वो विष्णु है, कि छह छह बच्चों की माता को युगल बनाए रखा है और उनके साथ विष्णु बने बैठे। अरे विष्णु तो परम पवित्र पार्ट है, लौकिक में उसको बच्चे कहां से पैदा हो जाएंगे है? अरे देवियों को जो भी देवियां दिखाई है, चाहे लक्ष्मी हो या कोई भी देवियां हो, उनको कन्या के रूप में दिखाया है या माता के रूप में दिखाया है, है? मकरूप दिखाया है, चौड़ी चौड़ी कमर है कोई की है? कन्या के रूप में दिखाया है, कन्याएं जब माता बन जाती है तो चौड़ी कमर वाली बनती है, जैसे पृथ्वी का गायन है, पृथ्वी है बड़ी से बड़ी माता, जब कन्या है तो सिर्फ भारत माता है, विस्तार को नहीं पाती, और द्वापर युग से वही भारत माता जब विस्तार को पाती है तो सारी पृथ्वी में फैल जाती है, चौड़ी चक्री हो जाती है। जैसे जिनको ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं वो कन्याएं चौड़ी कमर वाली हो जाती है। और ब्राह्मण और देवता क्षत्रिय वैश्य की वो पाठ को कुछ ना कुछ फेर गया, लेकिन शूद्र के रूप में वो ऐसे पाठ माना कली के शूद्र के रूप में होते हैं ना, पहली शूद्र होती है ना, पहला शूद्र बनता है, शूद्र बनता है जब कलयुग शुरू होता है तो देवताएं जो देव आत्माएं थी सतयुग में, वो कलयुग शुरू होते ही बड़े बड़े राजाएं बनते तो हैं, लेकिन विविचारी राजाएं बन जाते हैं, अनेक रानियां रखते हैं, अनेक रानियां रखते हैं, तो शूद्र हुए या सिर्फ विशेष हुए, शूद्र हो गए। द्वापर अंत तक वो एक से ही होती है ना प्रवृत्ति, द्वापर से अनेक से होती है, विकार भी सब सामान्य होते हैं द्वापर के अंत तक, और जैसे ही कलयुग प्रवेश करता है पहले पहले जो मुख्य राजा है वो शूद्र बनता है। और ज्ञान का बीज बाप के द्वारा, लेकिन एक तरफ ऐसे कहने है भक्ति माना रावण है, भक्ति माना रावण कहा गया, तो इसमें क्या उचित है ना, बाप भक्ति का बीज डालना माना, पहले भक्ति का अर्थ समझ ले, भक्ति माना क्या, भावना श्रद्धा विश्वास नहीं, श्रद्धा भावना
खराब चीज नहीं होती है, श्रद्धा भावना अच्छी चीज होती है। श्रद्धा भावना को भक्ति नहीं कहा जाता, भक्ति कहा जाता है अंधश्रद्धा, अंधी भावना को। अंधी श्रद्धा और अंधी भावना में समझ नहीं होती है, सिर्फ सुनना सुनाना होता है। सुनने और सुनाने मात्र को कहा जाता है भक्ति, और समझने और समझाने को कहा जाता है ज्ञान। और ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कुकड़ ज्ञानी और एक होता है असली ज्ञानी। जो कुकड़ ज्ञानी होता है उसके लिए कहते हैं कुत्ते की तरह भौं भौं करता है, कुकड़ माने कुत्ता, माने प्रैक्टिकल जीवन कुत्ते का कैसा होता है, बेविचारी होता है, उसको कहेंगे कुकड़ ज्ञानी। और एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञानी। प्रैक्टिकल ज्ञानी वो है जो सुनता भी है, समझता भी है, दूसरों को सुनाता भी है, समझाता भी है, और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करता है, वो है असली ज्ञानी। तो ज्ञान बीज है और भक्ति बीज नहीं है, बाप नहीं है, भक्ति आधार है, जड़ तो नहीं है, जड़ है, बीज ज्यादा पावरफुल होता है। भक्ति का विस्तार तो बहुत हो जाता है, लेकिन वो पावर नहीं रहती, वो सार नहीं रहता। इसलिए सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो पहले पहले भक्ति का फाउंडेशन पक्का करते हैं, माता में प्रवेश करते हैं। और वो भक्ति भी श्रद्धा विश्वास भावना वाली होनी चाहिए। हर चीज दुनिया की पहले सात्विक, लास्ट में तमो प्रधान बनती है। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान होती है। द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई तो एक की भक्ति थी या अनेकों की भक्ति थी? एक की भक्ति थी। उनको रावण नहीं कहा जाता, उसको रावण थोड़े कहेंगे, अनेक मुख वाली थोड़े ही कहेंगे, विविचारी दृष्टि भक्ति वाली थोड़े ही कहेंगे। ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होता है। एक से सुनते रहे सतो प्रधान तो सतो प्रधान, और फिर सुनने वालों सुनाने वालों की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही तमो प्रधान होता जाता है। तो ये कहते हैं ना, जितना जितना फायदा उतना उतना फायदा। हाँ जी, ये स्पष्ट है कि जो प्यूरिटी जो भंग होती है उसमें जास्ती, उससे जास्ती नुकसान होती है, और जिस कायदा को भंग करने से कम कम नुकसान होती है। जिस कायदा को भंग करने से जास्ती नुकसान होता है, जिस कायदा को भंग करने से बहुत कम नुकसान होता है। कोई भी कायदा है, कोई एक कायदे को 1% फॉलो करता है और 99% फॉलो नहीं करता है, तो वो ही कायदा ज्यादा नुकसानदायक बन जाएगा। अगर कोई उसी कायदे को 99% फॉलो करता है, 1% फॉलो नहीं कर पाता है, तो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अरे कायदा ऐसा, हाँ जी, कोई भी कायदे कानून की बात हो। तिरुपति है ना, तो बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है। हाँ जी,
उसको विशिष्ट माना, बेहद में उसको कैसा समझना हुआ तिरुपति को, बेहद में कैसा समझना ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से कैसा समझता तिरुपति है तो अभी क्या पूजा है तो वहाँ क्या इसकी यादगार है तिरुपति 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 जो नाम पड़ा है नाम काम के आधार पर पड़ता है कि ऐसे ही पड़ जाता है काम के आधार पर तो ये नाम जो उच्चारण करने वाले कोई तो होंगे अच्छा जिन्होंने पहले पहले अंदर से अंदर के दिल से ये उच्चारण किया हो क्या तिरुपति मेरो पति नहीं अंदर से अनुभव किया हो इस बात का फाउंडेशन डाला हो तिरुपति की जो स्थापना है मंदिर की वो विराट पुरुष के उत्तरार्ध में है या दक्षिणार्ध में दक्षिणार्ध में है इससे ही साबित होता है कि जब दो पत्नियों वाली बात आती है तब की यादगार है यहां सतयुग त्रेता में सृष्टि का उत्तरार्ध होता है उत्तरायण की शूटिंग होती है वहां तिरुपति की याद नहीं यादगार नहीं होती है न लड़ाई होती है मतलब दोनों का ऐसा होता है भाव अंदर में भावना तेरा पति दोनों का होता है उनकी अपनी भावना अलग श्री देवी की भावना अलग और पद्मावती की भावना अलग पद्मावती पद्म के ऊपर विराजमान है पद्म माने कमल फूल कमल का फूल कीचड़ में रहता है ये देह रूपी कीचड़ है देह रूपी कीचड़ के संग रहती है क्या लेकिन दिल का प्यार नहीं दे पाती और श्रीदेवी देह रूपी कीचड़ से बहुत दूर है लेकिन दिल का प्यार देती है इसलिए दोनों में लड़ाई होती है पद्मावती कहती है प्रैक्टिकल में शरीर के साथ तो मेरा है लेकिन जो दिल है वो तो तेरा है मेरा कहेगा ये तिरुपति है ये पद्मावती कहती है और श्रीदेवी कहती है अरे इस दुनिया में आए हैं साकार दुनिया है साकार दुनिया में दिल तो अंदर की चीज है बाहर से कौन देखता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा अरे वो तो तन मन धन तन और धन से तेरा ही है सारा तन तेरे को देता है सारा धन तेरे को देता है मेरा कैसे है इसलिए वो यादगार बनी हुई है तिरुपति आकारी मतलब जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है ना सूक्ष्म शरीर धारण करती है एक बार बाबा ने कहा वो महाभावी की लिस्ट में आती है सूक्ष्म शरीर धारण करने वाला हाँ जी हाँ जी वो महाभावी की लिस्ट में आती है ये कैसे ठीक है ये दादा लेखराज जो अभी सूक्ष्म शरीर में है हाँ जी हाँ जी वो कौन सी महाभाव किया है
वो श्री जो रामकृष्ण आत्मा है वो राम राम के बाद वो इतना श्रेष्ठ आत्मा है और दूसरी तरफ वो शरीर धारण किया है और महापापी की लिस्ट में आ गया है। कौन से महापाप किया है उनका लिस्ट में उसको कृष्ण वाली आत्मा चौरासी जन्म तो लेती है परंतु बाप का डायरेक्ट बच्चा नहीं बनती। जैसे हम बने डायरेक्ट बच्चा न बनने के कारण डायरेक्ट बाप से वर्षा भी वर्षा भी नहीं लेती। और बाप कहते हैं तुम बच्चों ने मेरे को पहचाना है, तुमको ऐसा बुद्धि का वरदान मिला है, वो जन्म जन्मांतर तुमने ऐसे अच्छे कर्म किए, जो तुमको ऐसा बुद्ध रूपी पात्र मिला है जो तुमने बाप को पहचान लिया। बाप तुम्हारे में कोई गुण नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या गुण देखते हैं? तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है और कोई चंद्रवंशी हो, रामवंशी हो, बौद्धिवंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई ने भी बाप को नहीं पहचाना। तो तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई कहेंगे या बंद आंखें कहेंगे? खुली हुई आंखें। तुम सोझरा पसंद करते हो। क्या क्या पसंद करते हो? सोझरा पसंद करते हो। तुम्हारे अंदर से आवाज निकलती है सोझरा कायम रहेगा और जो आंखों के अंधे हैं, धृतराष्ट्र हैं, जिनकी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, वो अंधे होने के कारण उनके अंदर से आवाज निकलती है। जैसे हम अंधे हैं, सब अंधे हो गए हैं, अंधेरा कायम रहेगा, न हम सोझरे को आने देंगे और न इस जीवन में हम सोझरे में जाएंगे। तो फर्क नहीं होगा दोनों प्रकार की आत्माओं में? बहुत फर्क है। हम ऐसे समझते हैं हम ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। समझते क्या है? अनुभूत करते हैं। माना प्रैक्टिकल में है नहीं श्रेष्ठ। अरे पतित तो दुनिया में बहुत होते हैं, सारे ही होते हैं, सारी दुनिया पतित है। ये पतित होना ये भगवान की दृष्टि में कोई खराब बात नहीं हुई। खराब बात क्या है? देह अभिमान को त्याग दे और एक देह अभिमान को नहीं त्यागे। तो जिन्होंने देह अभिमान को पहले त्याग दिया वो श्रेष्ठ आत्मा है। जिन्होंने देह अभिमान को नहीं त्यागा वो श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान की नजर में नहीं है, दुनिया की हो, दुनिया की नजर में भले श्रेष्ठ हो जाए। और इसलिए तो बोले में बोला है ना बाप को, जो जिसका इतना कुमार का इतना खतरा है, इतना इतना मान शान है, वो अंदर से इतना गंद है, इस बोले में उनको बहुत मान मर्तबा है, वो भ्रष्टाचारी समझो। और जिनको इस दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं है, क्या करोड़पति नहीं है, भले रोडपति है, गली गली की खाक छान रहे हैं, दुनिया की दृष्टि में ऊंचे नहीं है लेकिन बाप की नजरों में ऊंचे हैं। भागीदार तो पूर्व जन्म में भी गरीब ही था,
करोड़पति नहीं था क्या? भले हीरों का व्यापारी था, दादा लेखराज से भी ज्यादा होशियार था, लेकिन सच्चा व्यापारी था। जीछो झूठे हीरों के बाजार में एक छोटी सी दुकान रखने वाला सच्चा व्यापारी था, तो लोग उसको क्या समझेंगे? ये झूठा हीरा बेचने वाला होगा या सच्चा हीरा बेचने वाला होगा? झूठा ही समझेंगे। अब ब्रह्मा बाबा बड़े शौक शान से दुकान खोल करके रहते थे, राजाओं महाराजाओं के महलों में घुसे चले जाते थे। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है ज्ञान में। क्यों? जो पंप एंड शो, जो क्राइस्ट के स्वभाव संस्कार है क्रिश्चियंस के, पंप एंड शो के दिखावा करने के, वो संस्कार कृष्ण की आत्मा में भी है। कृष्ण की आत्मा से क्रिश्चियंस ने उठाए हैं। जो असली नहीं होता वो दिखावा करता है, जो असली होता है उसको दिखावा करने की दरकार ही नहीं। जानता है आज नहीं तो कल सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। तो ये क्रोध की बात भी क्रिस्ट और कृष्ण की राशि के बारे में, वो क्रोध की क्रोध विकार को प्रतिनिधित्व करने वाला वो क्रिश्चियन लोग है ना बाप, क्रोध विकार की, हाँ जी, वो कृष्ण में भी हमारा लेखराज ब्रह्मा भी वो किस रूप से था? एक होता है अंदर का क्रोध और एक होता है बाहर का क्रोध। इसका मिसाल देते हैं, हिंदू महासभा का अध्यक्ष सावरकर बाबा के पास गया, 3 दिन रहा। बाबा ने बड़ी खातिरी की, उसको ये ऐसे लगा जैसे बाबा ने हमारी इतनी खातिरी की है दुनिया में कोई ने नहीं की होगी। और जब वो चला गया तो मुरली में बोल दिया, अरे ये थोड़े ही देवी देवता सनातन धर्म में आएगा। उसको आत्मिक दृष्टि कहे नहीं, है? नहीं 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 कह सकते। तो अंदर ही, अंदर एक और बाहर दूसरा। और अव्यक्तवाणी में ये बोला हुआ है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है। तो बात उनके अपने ऊपर ही लागू होती है लौकिक जीवन में। और बाबू ये मनुस्मृति है ना, और ये खौफनाक खतरनाक की बात भी उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारों कुमारियों को तब पता चलेगी जब धर्मराज के डंडे बजेंगे और ये साबित होगा कि धर्मराज का पार्ट किसका है। जिनको उन्होंने समझाया कि ये बड़े प्यार करने वाले प्यार के सागर थे, तब मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण की आत्मा प्यार की सागर है या मार की सागर है। इसलिए बाप कहते हैं मैं धर्मराज नहीं बनता हूं, धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। बाबा वो शिक्षा कैसे है? है वो हिसाब किताब शुद्ध करना है तो ब्रह्मा बच्चों से वो अब उठा पटक होने लगी, बंद करो।